बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, प्रश्न ये है कि दो हुए मगन, जो ब्रज में ये बात आती है, तो वो दो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये बात कही गई, कौन सा स्पॉट है जहां पर वो मगन हुए, 11 साल या फिर 11 साल 52 दिन, यानी के विरहा या वियोग से पहले या वियोग से बाद, कब धनी के दिल में ये बात आई, दो हुए मगन। हाँ हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी, इसके बाद दुष्यंत भैया, मधु दीदी दोहराएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे को लगता है 11 साल में ही हुआ होगा, क्योंकि 11 साल की लीला में सब खो गए थे, अक्षर ब्रह्म की आत्म भी और गोपिया भी। तो फिर ऐसा राज्य को लगा होगा कि अभी ये खो गए तो इनको उनको छुटाने के लिए अभी ये विरह की थोड़ा 52 डेज का विरह देके फिर उनको योग माया मिल जाए। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, मधु दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ की बात को सुन के एक चीज दिमाग में आई है मेरे कि जैसे रास में जब मगन हुए थे वो मतलब लीला करते हुए मगन हुए थे, मतलब जब रास लीला चल रही थी तो रास में मगन हुए थे, तो हो सकता है कि 11 साल में भी वो लीला वाली बात ही आ रही हो जहां पे प्रेम लीला चल रही है। मेरे को अब सुंदर साथ एकदम कोऑर्डिनेट किया तो उससे ऐसे लग रहा है कि अगर रास में चौके थे, रास में उन्होंने कहा था मगन हुए, वहां तो विलास नहीं था ना, वियोग नहीं था ना उस टाइम जब उन्होंने कहा था, तो वो भी लीला होते हुए, तो यहाँ भी वो 11 साल वाले टाइम में ही होना चाहिए। बहुत सुंदर मधु दीदी, ये ना हमारे पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो जो रीजंस है ना सामने आएंगे कि कब हुआ क्यों हुआ। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। वो 11 वर्ष वाला ही पीरियड में लगता है मेरे व्यू से तो, बाकी क्योंकि 52 दिन में तो फिर ग्रह वाला पॉइंट आ जाता है, उसमें मगन वाली बात नहीं आ पाती, इसमें तो ये होता है कि 11 वर्ष वाले पीरियड में लगता है, क्योंकि फिर तो उसकी 11 वर्ष के बाद में जो 52 दिन का जो विरह है उसमें तो फिर ये अगला डिसीजन आ जाता है ना कि ये। बहुत सुंदर, अगला डिसीजन आ जाता है ना तब तक, तो बहुत सुंदर मुकेश भाई, 11 वर्ष तक, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, बोथ वेज हो सकता है, तो ये वो नहीं होना कि ये सुंदर साथ बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा, सोचो आपका दिल क्या कहता है। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, दोनों बात सही लग रही है, अब निर्णय करना है वो सुंदर साथ जी आपको, राज्य के हृदय की बात है, किसी के हृदय में कुछ उप जाए, किसी के हृदय में कुछ उप जाए। अगर हम चौपाई को देखते हैं, तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खेले नरनार। अगर इस चौपाई के दोनों चरणों का आशय लेते हैं तो दो खेले यानी प्रेम विलास की जो लीला 11 वर्ष की हुई है, ये दोनों चरण कह रहे हैं कि ये नरनार की तरह जो खेल रहे हैं, प्रेम विलास कर रहे हैं, ये इसमें मगन हो चुके हैं। ये तो दो चरण इस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे ये 11 वर्ष के बाद उनके मन में आया हो। फिर यहाँ प्रश्न उठता है, अगर 11 वर्ष के बाद मन में राज्य के आया तो वो तभी क्यों नहीं ले गए रास में, तभी नींद क्यों नहीं उड़ा दी, फिर 52 दिन का वियोग क्यों दिया। फिर अगला चरण आता है तीसरा चौपाई का, मूल वचन की नाही सुध, ए दो खेले सुपन की बुध। अब 11 वर्ष होने पर उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था, उन्होंने गोपियों से प्रणय निवेदन किया कि चलो रास खेलते हैं, अब वन में आ जाओ, और सरे राह चौराहे पर जब सब ब्रज वाले थे वहां पर उनके सामने प्रणय निवेदन किया, उसके बारे में चौपाई आती है श्रीमुखवाणी में, तो प्रीत प्रकट केम कीजिए तो छान प्रीत प्रकट केम कीजिए छानी छाप छपाए मेरे पीयू जी, कुछ मैं थोड़ी त्रुटि हो गई, हाँ छानी छाक छिपाए जी,
तू तो निलज नंदनो कुमार मेरे पियू जी। वो कहती है कि तुम तो इतने निर्लज हो, तुम्हें तो प्रेम प्रकट करना भी नहीं आता, सबके सामने प्रेम की बात कर रहे हो, ये तो चुपके से चोरी से की जाती है और तुम तो बहुत निर्लज हो। तो ये तो थोड़ा सा मीठा झगड़ा हुआ। तो मूल वचन की नाई सुध अगर इस चरण पे विचार करते हैं तो लगता है कि गोपियों को प्रेम विलास का जो प्रणय निवेदन था वृंदावन में आने का, कि कह रहे हैं कि इनको सुध नहीं रही है, अब ये अपनी माया में मगन हो गई है, झगड़ा करके बैठ गई है। और इनको मेरे उस वचन की, जब मैं 11 वर्ष का था तब मेरा वचन भूल गई है कि रास भी करनी है, तब उन्होंने वो आधी नींद उड़ाई, तब उनको रास में ले गए। तो एक तो उनमें प्रेम की प्रबलता बढ़ानी थी, इस वजह से विरह दिया। तो अगर पहले दो चरण देखें तो लगता है 11 वर्ष सही है। चौपाई का तीसरा चरण देखें तो लगता है कि 52 दिन होने पे कहा कि ये मेरा मूल वचन भी भूल गई है। तो अब तो सोनिया दीदी जाने और राज जी जाने, दोनों दोनों सही लग रहे हैं, और सुंदर साथ जी जाने, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, अति सुंदर। पता है क्या, ये प्रश्न जो आया है वो था सीमा खुराना दीदी कल प्रश्न पूछ रहे थे कि ये, उन्होंने सिंपली पूछा था कि ये कब हुआ, जो जब दो मगन हुए नरनार, ये किस समय की बात है, नॉर्मल, ये नहीं पूछा था उन्होंने 11 साल या 52 दिन के बाद हुआ। फिर आशिमा जी ने उनका उत्तर दिया कि ये उस समय हुआ जब वियोग होने वाला था। फिर उसके बाद चित्रा जी ने दिया कि ये इसके बाद होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद उस समय तक दिल में ऐसा कुछ आया नहीं था, पर मैंने बोल दिया बस कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लगता है। पर पूरी रात वो लगने 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 में लगा कि, मतलब वो लाइन खींची नहीं है कॉपी पे, पर लगा कि दिल के जैसे दो वो हो गए भाग, एक पे वो लिख रहे हैं राजी, एक पे वो। अब बताओ क्या होना चाहिए, करवट बदले तो वो भाग ऊपर हो जाए, उधर करूं तो दूसरा भाग ऊपर हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर नहीं, धनी क्लियर करते हैं और बहुत अच्छे से करते, पूरी साक्षियां साथ में धनी देते हैं। हम सुंदर साथ ज्योति जी से पूछेंगे, प्रणाम जी ज्योति जी। और ये जो मीटिंग है ना सुंदर साथ, ये बड़ी विशेष है, बहुत ही सुंदर। जो इस समय तक सुंदर साथ बैठे हैं ना, सुंदर साथ बाद में देखेंगे कि ये कब हुआ। हाँ जी, और ना ये अंदर टिक नहीं रही थी बात की, नहीं मंडे तक नहीं वेट हो पाएगा, था नहीं आज ही करना है। हाँ जी ज्योति जी, प्रणाम जी। सुंदर सब तो मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों सही ही है, इधर भी सही, 11 वर्ष तक सही है, हम मग्न हो गए थे राज्य के साथ। तो पर पलड़ा बताइए कौन सा भारी है, आप अपना वो बताइए किस तरफ जाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 52 दिन वाला लग रहा है, क्योंकि वो जब सब सखियां जब उनको बोले कि चलो चलते हैं तो नहीं गई, फिर इसके बाद भी मग्न हो गई तो भूल गई, क्योंकि दोनों फिर मग्न हो गए तो उनको याद ही नहीं रहा पर प्रीतम के, मतलब ऐसा तो हमको वो लग रहा है। अब ये भी बता दीजिए, नारियां तो मगन हो गई, नर पे भी ध्यान देना है कि नहीं, नर कब मगन हुआ बेचारा। तो अक्षय ब्रह्म तो साथ ही में थे ना, किनके, नारियों के, राजी के। वो आपकी ना आवाज वो हो रही है थोड़ी सी। हाँ जी, नहीं आ रही आपकी आवाज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुंदर साहब के मन में और आया होगा अभी सुन के ना, अनिल भाई की मुस्कान बता रही है। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। नर की बात में बोल सारे पुरुष सुंदर साहब के हैंड रेज होने की, उनमें अंदर जाके महसूस कीजिए। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, मैंने जो पहले किया बात कही थी वही बात, 11 साल हुआ तब देखा कि ये अभी तक पूरी जाग नहीं रही है, इसलिए वो बहाना बनाया कि बर्थडे है आज, उनका जन्मदिन तो मैं बुलाऊं, वो आती है कि नहीं आती है। और राज्य में ही खुद अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म भी ये लीला देख रहे हैं, और वो भी मगन हो गए क्योंकि उनकी सुरता वो छोटी गोपियां गोपियों के साथ ही वो सारी लीलाओं देख रहे थे, इसलिए 11 साल का एक बहाना बनाया कि जो उनका जन्मदिन था वो जन्मदिन पर ही कहा
कि तुम चलो क्योंकि यहाँ अब देखने वाली दुनिया नहीं है। तो यही लगता है बावन दिन तब हुए मगन, यानी पहले हो गए थे, अब उससे निकलना है, इसलिए वो बहाना बनाया जन्माष्टमी का। अब आप ये बताओ अनिल भाई, यहाँ नर कौन है? खुद कृष्ण भगवान, उसके अंदर ही शक्ति है। नहीं, वही किस नर और किस नारी की बात कर रहे हैं? दो मगन हुए नर नार, कौन सा नर कौन सी नार बता रहे हैं इसमें, बताइए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कौन से कृष्ण जी के अंदर किनकी बात कर रहे हैं जो मगन हो गए हैं? अक्षर ब्रह्म की आत्म थी। हाँ जी, और नार जी का जो की बात कर रहे हैं, नार कौन सी है? श्यामा जी की जो सुरता दादाजी में आई, राधा जी को ही बताए, राधा जी को बताए, क्योंकि राधा जी को कहे कि तुम सब साथ चलो, यानी सब सख्या तो उनके साथ ही आती थी। हाँ जी, नहीं मैं जी आप ये बताओ कि एक ही नार की बात हो रही है, श्यामा जी की, राधिका जी की, बस बाकी नार की बात नहीं हो रही है, बस श्यामा जी यानी सर बिजी हो गए हैं। नार का मतलब बहुवचन में लिखा। हाँ जी बिल्कुल सही, तो राधिका जी और गोपियां, या फिर श्यामा जी और सखियां, है ना जी। अच्छा, अब एक बात और सुंदर साहब जी, आप अपने, थैंक यू, बहुत सुंदर अनिल भाई। अब ये बताइएगा कि ये जो नार हैं उनमें ईश्वरी सृष्टि भी तो है कि नहीं है? नारियां तो वो भी हैं, कौन मगन हो गए? नर नार कौन मगन हो गए? हाँ जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, इसमें सिर्फ ब्रह्म सृष्टि और अक्षर की आत्म आपस में जो मगन हो गए, क्योंकि अभी ईश्वरी सृष्टि को तो उन्होंने वो लीला दिखाई नहीं, आनंद दिया ही नहीं था, जो रास का ब्रिज में और ना ब्रिज की लीला में। तो जितनी भी लीलाएं हुई हैं, ये ब्रह्म लीला वही है कि ब्रह्म सृष्टि और राजी और अक्षर की आत्म उनके साथ आई थी। तो दो मगन नए नर नार में, अक्षर की आत्म नर है और नार में श्यामा जी और सखियों की सुरता या आत्म है। हाँ जी, बहुत सुंदर आशिमा जी। और वैसे भी ना, हम कहाँ से आए हैं? परम धाम से। क्या महा कारण था उसका? राजी के दिल की इच्छा, कारण क्या था? अक्षर ब्रह्म ने मांगा और सखियों और श्यामा जी ने मांगा है ना। अब ये धीरे धीरे ना उस तरफ चलते हैं, आपको हिंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि है ना ये 2 किलोमीटर किस तरफ दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में इधर बढ़ना है। एक एक मील का पत्थर इसमें हम धीरे धीरे, दिस इज ब्यूटी ऑफ सहूर सुंदर साहब जी। हाँ जी, सुनीता दीदी भी थे, बबीता दीदी आपसे भी करते हैं। प्रणाम जी बबीता दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी ये जैसे 11 साल तक वो मगन रहे, ब्रिज की गोपियां इतनी मगन होगी, सभी ब्रिज दीवाना हो गया। फिर राज जी ने उन्होंने को कहा ये तो फिर ये यहाँ ही बैठे रहेंगे, तो रास में कैसे जाएंगे, रास में कैसे लेके जाऊंगा इनको, रास का नंद कैसे लेंगी ये, तो इसलिए वो उन्होंने ही मन में डाला, 52 दिन का विरहा दिया उन्होंने ही, फिर उनको फिर वो रास में लेके गई। यही होना चाहिए दीदी मेरे से हिसाब से तो। यानी आपका कहना है कि 11 वर्ष जब हुए तब धनी के वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब उन्होंने कहा दो मगन हुए नरना, है ना। हाँ जी, तो फिर उन्होंने मन में उन्होंने डाला ना, राज्य नहीं डाला, ये तो यही बैठे रहेंगे, ये तो आगे की लीला कौन करेगा। बिल्कुल सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हमने थोड़ी कहा था सुंदर साहब जी, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हमने थोड़ी ना कहा था कि राजी हम नहीं आएंगे, हमारे पति भी, राजी ने कहलवाया था, हमने थोड़ी कहा हमारा इश्क बड़ा है, धनी ने कहलवाया, बोलो तुम्हारा इश्क बड़ा है, बोलो हमारे पति हैं, हमारे परिवार है, क्योंकि हुक्म की लीला उनकी चल रही है, मास्टर प्लानिंग उनकी चल रही है, इतने समय बाद ये होगा, इतने समय बाद ये होगा, ब्रिज लीला इतने समय की सोची है मैंने, रास इतने समय की सोची है। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये 11 साल के बाद की बात है, क्योंकि ये मास्टर प्लान है, राजी ने पहले ही मन में धार लिया था कार्यकारण का, और दुष्यंत भैया ने जैसे भी बोला 11 साल के बाद भी क्यों नहीं ले गए, 52 दिन क्यों वेट किए, अगर वो वियोग नहीं देते तो विलास कैसे आता, प्रेम का विलास कैसे आता,
और ये कारज कारण है, राज्य ने पहले से ही ये मन में धार लिया था कि ये सखियों को आगे और प्रेम का विलास जो देना वो रात में होगा, और ऐसे अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसे सखियां आगे नहीं जाएंगे। और नर नार की बात है, सखियां और नर हो गए जो राज्य के अंदर बैठे हुए अक्षर ब्रह्म के आत्म है, क्योंकि वे तो 11 साल के अंदर ही तो नर जो है उन्होंने ये मगन हुए थे ना, और 52 दिन में तो वो राज्य के साथ ही चले गए, तो मगन होने का कोई सवाल ही नहीं था। 52 दिन के बाद अगर अपने पे फोकस रखते हैं हम लोग कि हम नारियों में बैठे हैं, हम मगन है तो मतलब सारे मगन है। अक्षर ब्रह्म तो बेचारे कृष्ण जी के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो अक्षर ब्रह्म जी। अगर हाँ जी, अगर 52 दिन के बाद तो मगन है, चले गए थे वे, बिल्कुल सही, मगन कैसे, अति सुंदर प्रणाम जी। अभी हम मगन का अर्थ भी करेंगे सुंदर साहब जी, ये जो हाँ जी विवो के नाम से सुंदर साहब प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे ब्रज में जब हम आए तो हमारा वो पहला दिन था। हाँ जी, आप अपना नाम तो बताइए सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, हाँ जी। पहले दिन जब हम ब्रज में आए थे तब से ही राज्य ने वो जो दिल में धीरे 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 यानी इनको यानी एकाएक तो मान लो इतना यानी बता नहीं सकते थे राज्य में, धीरे धीरे यानी माया को टाइट करते गए वो धीरे धीरे, यानी जैसे रोज आ जाते थे यानी सुबह यानी बालक को यानी वो जिससे मिलने किसी बहाने से आते थे घर में, यानी जो यानी जो भी काम करने यानी फिर लाला को ले जाते थे जो भी करते, धीरे धीरे यानी देखा कि राज्य ने सब कुछ यानी बराबर चल रहा था, धीरे धीरे फिर उनको सासुओं को टाइट किया, बोले तुम कहाँ जाती हो क्या करती हो ऐसे इनको कहो, फिर उनके पतियों को कहा तुम्हारी वहां जाती है उसके साथ खेलती है वहां ये करती है, धीरे धीरे टाइट करते गए फिर राज्य का ये तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, खेल दिखाना हमको यहाँ, जब दिखाना ही हमको यहाँ रहना तो था नहीं तो दिखाना था, जैसे जैसे टाइट करते गए तो फिर राज्य ने जब बोलो शाम का समय था तब कहा बोले आप रुक जाओ यहाँ और आज अपन ये करेंगे ये वो करेंगे, फिर देखना ही था वो, तो फिर उन्होंने कहा तुम तो पर पुरुष हो ही, तो फिर राज्य ने कहा जब हमारे नहीं रहे तो हमें यहाँ रहना क्या है, किस काम के लिए रहना, जब हमें हमारा व्यक्ति हमें अगर नहीं पहचान रहा है, जैसे आज भी यही चल रहा है राज्य की मतलब बांसुरी बज रही है जो भी हो रहा है, हम सुंदर साथ से मान लो हमारा स्नेह नहीं है प्रेम नहीं है तो फिर यानी दिल टूटता है, तो आज जो हम लोग बैठक में जुम में वगैरह जो बैठते हैं जो हम जो आपसी है जो प्रेम देख के नहीं, वो चीज हमें बस उसका अनुकरण करना ब्रज वाला नहीं, वो चीज कहीं घट तो नहीं रही हमारे पे। हाँ जी, तो आपका लक्ष्मी नारायण जी क्या कहना है कि 11 साल के बाद धनी के दिल में आया या 11 साल 52 दिन के बाद आया? नहीं 11 वो तो पहले से चल ही रहा था, राज जी सब करवा रहे, जब आपने अभी बोला था ना, बोले नहीं वो तो है, पर दो मगन हुए नरनार वो विरहा से पहले या बाद में, वियोग के पहले या बाद में आया होगा? 11 साल से तो चल ही रहा था, लेकिन 52 दिन में फिक्स हो गया उनको, भाई मैंने उन्होंने बांसुरी बजाना सब कुछ बंद कर दिया, फिर बोले ये तो मस्त है, इनको कोई पड़ी नहीं है पड़ी, फिर उन्होंने कहा फिर बांसुरी बजे। बिल्कुल, अति सुंदर प्रणाम जी, बहुत सुंदर, और आपके मुख से आज सुनकर बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी नारायण जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु दीदी ने पॉइंट्स बना लिए हैं। प्रणाम जी। ऐसे अभी एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अक्षर ब्रह्म ने तो माया का खेल मांगा था, प्रेम का खेल मांगा था देखने के लिए, राजी और श्यामा जी सखियों के बीच में जो होता है, और सखियों ने माया का खेल मांगा था, तो दोनों अलग अलग मगन हुए होंगे ना, वो माया में मगन हुई होगी और वो प्रेम में मगन हुए होंगे। तो इस हिसाब से देखे 11 साल तक की लीला प्रेम की थी, उसमें अक्षर ब्रह्म मगन हुए, और उसके बाद माया की लीला शुरू हुई 52 दिन के, उसमें सखियां मगन हो गई। तो मांगा तो दोनों अलग अलग है ना, तो उस हिसाब से देखे तो अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत सुंदर मधु दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, दुष्यंत भैया ने भी पॉइंट बनाया। प्रणाम जी। हाँ जी, फिर आशीमा जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। सोनिया दीदी, एक इसमें एक दूसरा मूल प्रश्न और जुड़ रहा है, हम सब कह रहे हैं कि ये दो मगन भय नरनार, एक बता रहे हैं हम अक्षर ब्रह्म की आत्म और दूसरे बता रहे हैं हम ब्रह्म सृष्टि। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमने ब्रज में जो विलास की लीलाएं की या रास में जो हमने विलास की लीला की, तो क्या अक्षर ब्रह्म ने और सखियों ने की? अगर मगन भये दो नरनार में अगर हम अक्षर ब्रह्म को लेते हैं, तो इससे लगता है
कि ब्रह्म सृष्टियों के साथ में लीला करने वाले अक्षर ब्रह्म है और वाणी कह रही है कि अक्षर ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी दाम, एक खेल देख्या सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। हम तो धनी के साथ खेले, ना कि अक्षर ब्रह्म के साथ। हाँ जी, इसमें ना एक वो और आता है, क्योंकि ये प्रश्न दो तीन बार आया है पहले भी कि क्या अक्षर ब्रह्म ने एक्चुअली वो जिस आत्म पर बैठते हैं ना, इंद्रावती जी के साथ क्या हमने किया, क्या इंद्रावती जी ने ये सब कुछ किया, इंद्रावती जी ऐसे कर सकती हैं? नहीं, धनी जी का आवेश जब उनके अंदर आ जाता है ना, तो इंद्रावती इंद्रावती नहीं, वो धनी बन जाती है। कहते हैं ना धनी कि मेरा आवेश जब तुम्हारे अंदर लीला करने, स्पेशली लीला करने लग जाता है, सूक्ष्म रूप से तो वो सबके अंदर है, पर प्रत्यक्ष लीला होती है देवचंद्र जी के अंदर और इंद्रावती जी के अंदर। उनको साक्षात धनी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि अब इंद्रावती जी की आत्म पे फोकस नहीं है, उनके अंदर जो आके बैठ गया है ना, वो कर रहा है सारा कुछ। तो अक्षर की आत्म नहीं कर रही कुछ भी, पर धनी जी का आवेश अंदर उनके आके बैठ गया है, तो इसलिए कहा जाएगा कि वो तन लीला कर रहा है, अक्षर की आत्म वो सब कुछ, क्योंकि वो मांग कर आए हैं कि मुझे ये लीला देख, उनको आनंद देना उस लीला का, है ना। तो कर तो धनी जी का आवेश रहा है, पर मगन हाँ। उसकी आत्म हो जाती है, क्योंकि वो मांग कर आई है और धनी उसके अंदर बैठ गया और उसको भुला, क्योंकि सुरता रूप में आया तो भूलना पड़ेगा, नहीं तो वो आवेश रूप से उनको वैसे जोश लाए हैं उनका, पर रखा अपने कंट्रोल में है कि तेरी आत्म करेगी लीला यहाँ पर, है ना, और करने वाला होऊंगा मैं, करेगी इंद्रावती, शोभा उसको मिलेगी, पर करने वाला मैं। ऐसे ही आत्म अक्षर को शोभा दी है, पर करने वाला अंदर मैं ही हूँ, धनी जी कह रहे हैं। मैं यही इसी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि अक्षर 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 ब्रह्म की बात हम सब कर रहे हैं, राजी के तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जो राज्य की आवेश और जोश शक्ति है, मुझे लगता है कि अक्षर ब्रह्म तो दृष्टा मात्र है, उस पर लीला करने वाले तो स्वयं हमारे राज्य हैं। एक अलग चौपाई में भी स्पष्ट कर दिया है, मुझे एक चरण याद आ रहा है बस उसका, पूर्ण ही है न कोई दूसरा जो खेले महबूब बिना रास। तो खेलने वाले हमारे महबूब ही है। हाँ जी दुष्यंत भैया, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अक्षर ब्रह्म और धनी में कितना डिफरेंस है, स्वरूप एक है, लीला दो है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। धनी कहते हैं मोहम्मद साहब के रूप में, जैसे ही उनकी आत्म जाती है धनी के पास, इश्क डालते ही धनी स्वरूप हो जाते हैं, बोलते हैं ये तेरी उम्मत बैठी है, मेरे में और तेरे में कोई फर्क नहीं है, उम्मत तेरी बैठी है, श्यामा जी इस तरफ बैठी है। तो जब राजी ही उनके अंदर आकर बैठ गए और अक्षर ब्रह्म और राजी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ इश्क का कहते हैं ना फर्क है, जैसे ही उनको दिया, कहते ये तेरी उम्मत बाएं बैठी है, इनके मेरी उम्मत के मुंह पे कल कुलफ क्यों है, वो बोलते हैं, है ना। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो धनी का आवेश जब उनके अंदर आ जाता है, सारी निधियां उनके अंदर आ जाती हैं, तो क्या दोनों में कोई फर्क रहा होगा? तब कोई भेद नहीं रहता फिर। तो स्वरूप एक है, वही स्वरूप एक ही बैठा हुआ है अंदर, लीला दोए, बस उनकी सुरता को, क्योंकि सुरता रूप में है तो उनको वो मगन हो सकते हैं, आवेश स्वरूप मगन नहीं हो सकता, क्योंकि वो जागृत है ना। जो सुरता है वो मगन हो सकती है, आवेश मगन नहीं हो सकता, इसीलिए जोश भी मगन नहीं होता उनका, क्योंकि वो भी अक्षर ब्रह्म का आवेश है ना। तो सुरता उनकी मगन हो जाती है। अब सुंदर साहब जी आशिमा जी से सुनते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, इसके आई थिंक थोड़ा सा समय और लगेगा, पर ये बैठक है ही ऐसी जिसमें थोड़ा सा और समय हमें लगेगा। सुंदर साहब जी, हाँ जी आशिमा जी, सुंदर साहब जी जो बैठे हैं ना, उनके चरणों में हार्दिक प्रणाम, क्योंकि बहुत घंटे हो चुके हैं पर फिर भी दिल नहीं कर रहा कि ये बात छोड़ी जाए। हाँ जी आशिमा, प्रणाम जी। इतना आनंद आ रहा है इसमें, प्रणाम जी, इतना सुंदर टॉपिक है। जैसे आप बता रहे हो ना कि अक्षर की आत्म जब अंदर उनके है, लेकिन राज्य का हम मेन देखेंगे राज्य का आवेश है, तो वो ही लीला कर रहे हैं। पर जो दो मगन नर नार हैं, उसमें नर तो अक्षर की आत्म है ना, तो वो भी हम राज्य स्वरूप ही हो गए जब कृष्ण जी में आए। तो वो जो खेल खेल रहे थे वो 11 साल के बाद रुक गया, जैसे आपने कहा ना रोकने के लिए उन्होंने ये चीज कही। ऐसे ही रास में भी अंतर ध्यान के समय पे थोड़ी कोई खेल चल रहा था, वो तो उनको ढूंढ ही रहे थे,
तो वो रास लीला रुक गई थी, ऐसी ब्रिज लीला रुक गई थी, तो उस समय ही उनके ये माइंड में आया और ये चुपाई जो आ रही है कि उनका जो मगन होना था उसको रोकना था, उन्होंने उनको जगाना था, उसने चौंका दिया रास में। और इधर उसके बाद आप देखो तो राज्जी के अंदर जो अक्षर की आत्म थी, हम बोलेंगे तो राज्जी ही, तो राज्जी का आवेश ही था, लेकिन कृष्ण जी कोई लीला नहीं चल रही थी, क्योंकि ना बांसुरी बजा रहे थे, ना रास शाम को वृंदावन में खेल चल रहा था, ना सुबह की मतलब वो चल रही थी, ब्रिज तो चल रहा था, पर एक तरह से उस ब्रिज लीला के आनंद को रोक दिया। मेरे हिसाब से वही 11 साल वाला ही रहेगा पॉइंट। बहुत सुंदर बता रहे हो आप। और दुष्यंत भैया के चरणों में प्रणाम। वो तो इतनी रहस्य वाली चीजें आगे आगे ला के ना, और ही वो माइंड घूम रहा है, सोच में पड़ गया। सुंदर साहब जी, अब ना समन्वय बिठाएंगे, थोड़ा सा समन्वय बिठाइए। अब कहते हैं कि मगन हुए रास में, बोलते फिर मगन हुए, और उसमें लिखते हैं लीला में मगन हो गए। व्हाट इज दैट लीला, है ना, कौन सी लीला में मगन हो गए थे ब्रज में भी, और ना थोड़ा सा सेम चीजें चलती हैं ब्रज और रास में। तो पहले ब्रज में मगन हो गए, लीला में मगन हो गए, यानी सखियां भी रोज आ जाती हैं, ये इधर रोज बांसुरी बजा जाते हैं, ऐसे तो 100 साल चलता ही रहेगा, वो बजाते रहेंगे, वो आती रहेंगी, ये तो खत्म ही नहीं होगी लीला। तो बोलते हैं दो मगन हुए नरनार, ये तो प्रेम लीला में दोनों ही मगन हो गए, है ना। तो कहीं तो रोकथाम ये लगानी पड़ेगी कि अगले खेल जो मैंने प्लान किया हुआ है, मास्टर प्लानिंग, उसकी तरफ कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। जैसे कि रास में कहते हैं दो मगन हुए नरनार, फिर दोनों मगन हो, फिर मतलब दोबारा ऐसा हो गया है, पहले भी ऐसा हुआ था, अब पहले तो ये सोचना है कि वो मगन का मतलब क्या है, कैसी लीला में मगन हो जाते हैं। माया में मगन हो जाते हैं तो फिर रास में तो माया थी नहीं, वहां कैसे मगन हो गए। फिर मगन हुए नरनार मतलब सेम तुमने फिर रिपीट कर दिया, रेपिटिशन हो गई। तो अगर यहाँ माया में मगन हुए हैं तो रास में तो माया है ही नहीं, वहां कहाँ मगन हो जाएंगे, राइट। तो वहां रास की चौपाई में स्पेशली लिखते हैं कि फिर ये रास की लीला में, प्रेम लीला में मगन हो गए, इसका मतलब पहले भी ऐसा ही हुआ था, है ना। तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, इसका मतलब प्रेम की लीला में ब्रज में वो मगन हो गए थे। तो मतलब 11 साल ऐसे मगन रहे। अब राजी बोलते हैं ये कड़ी को बीच में से ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगला आनंद अर्ध नींद अर्ध जागृति का है, तो उसके लिए इनको प्रेम का विलास है, उसके लिए विरह जरूरी है, है ना। और इसको वियोग भी कहा जाता है, कहते हैं कि सखियों को तो फील ही नहीं हुआ कि ये विरह है, उनको तो वो तो घर में अपने मस्त हैं, है ना, क्योंकि धनी ने ऐसा प्लान किया हुआ है। वो भी सामने से दिखाते हैं, तुमने मुझे ऐसे कहा, तुमने किसने कहलवाया धनी, आपने ही हमसे कहलवाया था, क्योंकि मास्टर प्लानिंग ये आपकी की हुई थी, ऐसा होगा फिर वियोग होगा। स्वामी जी ने इसको बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो वियोग विरहा में परिवर्तित, तभी तो छोड़ के गई, परिवर्तित ना होता विरहा में तो वो तन छोड़ के वियोग में नहीं जाता कोई सुंदर साथ जी, विरहा में उसको परिवर्तित किया गया। और स्वामी जी बोलते हैं इतने शॉर्ट टाइम का वो जो परिवर्तित किया ना और तन ही छोड़ दिया, इसका मतलब अंदर तो था उनके कि कान्हा बांसुरी नहीं बजाता, है ना। और एक दिन बजी 52 दिन के बाद इतना फूट के बाहर निकला कि तन ही छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो वो वियोग को विरह में कैसे परिवर्तित किया, स्वामी जी कहते हैं सात्विक विरह उसको बोला गया। सात्विक मतलब उनको ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ा, जैसे आज कहते हैं ना इसकी पराकाष्ठा होगी, इसकी पराकाष्ठा होगी तो प्रेम मिलेगा, फिर उसकी पराकाष्ठा होगी तो ये मिलेगा, तब कोई पराकाष्ठा नहीं, कहते सात्विक विरहा में ही उन्होंने गोपद वच के समान उनको पा लिया। तो वियोग को कैसे परिवर्तित हुआ उनका, कैसे उन्होंने उनको पा लिया, एक तो ये। और ब्रज और रास का आप अगर वो देखें ना, ब्रज में जैसे ही चौंका, इसको चौंकाया कहेंगे या फिर कहेंगे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दो मगन हुए नरनार, आई हैव टू डू समथिंग, क्या करना पड़ेगा। अब ये बोलेंगी कान्हा बांसुरी ना बजाया करो आज से, क्योंकि इनकी ये मगनता मैंने तोड़नी है, बांसुरी बजानी बंद कराऊंगा, और उसके बाद ये वियोग होगा, क्योंकि आगे मैंने प्लान किया हुआ है
विलास का, फिर वहां लेकर जाऊंगा। रास में भी ऐसे ही हुआ, रास में क्या किया उन्होंने, उसको जैसे ही फिर मगन हुए नरनार, इतना रास अच्छे से खेल रहे हैं, फिर से मगन हुए, फिर इसको इसका वो ब्रेक करूंगा बीच में, अक्षर ब्रह्म को चौंकाया, उसको बताया तू कहाँ खेल रहा है, भूल गए हो तुम, फिर मगन हो गए हो, सखियो मानवंतियो फिर मगन हो गए हो, फिर से एक वो लय को ब्रेक किया उन्होंने, है ना। तो आप इनमें अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज बहुत लेट हो जाएगा, हम इस विषय को एक बार फिर से लेंगे सुंदर साहब जी, बहुत आनंद आएगा जो बच गया है, प्रमाणों सहित इसको करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो आप बताइएगा जरूर कि मगन या माया में मगन नहीं कहा सुंदर साहब जी, ये उन्होंने कहा लीला में मगन हो गए, है ना। आज जागनी रास में लीला में मगन नहीं हुए, ये कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि जागनी रास पे भी ये प्रसंग आता है। अब हम राजी कहते पहले तो प्रेम लीला में मगन होते थे, मुझे लय तोड़नी पड़ती थी, अब माया में इतने मगन हुए पड़े हो, मुझे लय तोड़नी पड़ती है कि बस अब प्रेम की तरफ मुड़ो सुंदर साहब जी। तो जो ब्रज रास में करके दिखाया बहुत बहुत गुज भेद है धनी के उसमें, है ना, उसमें और डूबेंगे। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, इतना सुंदर, बढ़िया से स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब पहले लग रहा था दोनों ठीक है, फिर बाद में बीच में लगा कि पहले वाला पलड़ा भारी है, 11 वर्ष वाला, अब वो एकदम लाइन ड्रॉ कर दी आपने, वो ठीक है, लीला की लाइन ड्रॉ यहाँ की, फिर रास में भी ड्रॉ की कि उनको तो और राज्य का तो बस और कोई काम नहीं है, अपने रोह को और लाड़ देना और लाड़ देना, तो यहाँ से भी ज्यादा वो लाड़ देना चाह रहे हैं फिर रास में, और रास से भी ज्यादा फिर आनंद देना चाह रहे हैं वो विरह के बाद भजनानंद में, फिर वहां के बाद फिर परम धाम की झलक भी दिखाई, लेकिन फिर भी हम में से तामसियों की इच्छा पूरी ना होने के कारण फिर से फंस गए। आपने बहुत सुंदर लाइन ड्रॉ की, स्पष्ट समझ में आ गया, आपके चरणों प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रणाम जी। भैया एक बात और इसमें है कि वो दो लीलाएं ना हमने शुरू से देखा, मुख्य रूप से जो डिजाइंड है ना वो अक्षर ब्रह्म जी से मंगवाया भी पहले, उनको दिखाया भी पहले, और उनको दिखाया भी शॉर्ट में कि बस भाई 11 दिन बहुत है, 11 साल और उधर एक रात्रि बहुत है, बाकी अपनी अंगनाओं की इच्छाओं की मैंने पूर्ति करनी है, अब उनकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो, दोबारा नहीं होगा ये। तो पहली दो जो लीलाएं हैं प्रमुख रूप से देखने में ऐसा आता है कि प्रेम की रही मोस्ट प्रोबेबली, और प्रेम किसने मांगा था, अक्षर ब्रह्म ने, कि मैंने प्रेम की लीला देखनी है स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म, और ब्रह्म सृष्टियों के बिना वो देख नहीं सकता, लीला देखनी किसकी है, राज्य और उन्हीं की तो देखनी है कैसी लीला होती है ना। तो ब्रह्म सृष्टियों को पार्ट प्ले करना पड़ेगा ताकि अक्षर ब्रह्म उसको देखें, और ब्रह्म सृष्टियां इसको एग्जाम्पल लेके जब इनके लिए डिजाइन की जाएगी तो वो प्रेम वहां से सीखें, यही उनके लिए एग्जाम्पल मैं तैयार कर दूं। वहां का तो तूने अभी नहीं देखा पर यहाँ तो देखा है ना, तुमने किया है वो प्रेम से। तो अक्षर ब्रह्म पे ये फोकस है ब्रज और रास की लीलाएं। अब ब्रज में भी नर मगन हो जाता है फिर से, है ना, नारियां तो हमेशा ही हुई रहती हैं, आपने देखा ब्रज में भी मगन हो जाती हैं, प्रेम लीला दिखाओ उसमें मगन हो जाती हैं, रास लीला दिखाओ उसमें, और अभी माया की है तो उसमें मगन हुई पड़ी है, है ना। वो तो धनी के ने अपने हुक्म में ले रखा है उनको, हम सब ब्रह्मात्माओं को। अब अक्षर ब्रह्म जब मगन हो जाते हैं ना प्रेम लीला में, तब राजी कहते हैं दोनों मगन हो गए, अब कुछ करना पड़ेगा। रास में फिर अक्षर ब्रह्म पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम अपने पार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं हमेशा, हम माया में मगन हुए, हम ऐसा हुआ, नर पहले लिखा है उन्होंने, नर मगन हुआ फिर नार नर नहीं लिखा उन्होंने। और फिर रास में आप जाइए, अक्षर ब्रह्म को भूल गया, ये हो कहाँ रही है, कल को फिर कहेगा मैंने देखी नहीं, है ना, नहीं इसको चौंकाओ पहले। तो परम धाम में जाके जागेंगे तो इनको पता लगेगा कहाँ देखी, कौन सा सिंगार, कौन सा विरहा, सखियां क्या क्या कर रही हैं, भाई इनको पहले बता दो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, है ना, तुम्हारी इच्छा इज ऑल डन, अब मेरी सखियों की बारी आने वाली है, तो योर टू ब्रह्मांड्स आर ऑल डन। तो दोनों मगन हुए नर नारी, तो मतलब आप सोचिए राजी ने कर देनी है उनको, उनको विरहा दिखाना है, उनको प्रेम का विलास, इन पे ध्यान दीजिएगा जिनके लिए स्पेशली डिजाइन्ड वो है। तो यानी के माया नहीं है, आपने ना नोटिस किया होगा अक्षर ब्रह्म का
आज तक मैंने पूरी वाणी नहीं पढ़ी है सुंदर साहब जी, क्षमा कीजिएगा। जितनी भी चौपाइयां आगे आई हो, किसी में ये नहीं लिखा हुआ कि अक्षर ब्रह्म की सुरता माया में मगन हो जाती है। नेवर एवर। सखियां हो जाती हैं, सखियां देखने आई हैं, अक्षर ब्रह्म जब भी मगन हुए हैं, प्रेम में हुए हैं, वो कभी माया में मगन नहीं हुए आज तक। ये उनकी स्पेशलिटी रही, उनका बनाया हुआ ब्रह्मांड है। तो वो जब धनी की लीला को देखते हैं ना, तब वो रह ही नहीं पाते, वो गुम हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं माया। तो उन्होंने लाखों बार बनाई, लाखों बार देखी, मिटाई, उसमें मगन होने का प्रश्न ही नहीं होता अक्षर ब्रह्म जी का, है ना। तो धनी का प्रेम पहली बार देखा, और जब भी देखते हैं दूसरी बार, वो तब मगन हो जाते, वो निकल नहीं पाते उसमें। फिर धनी को इंटरफियर करना पड़ता है कि अब ये निकल नहीं पाएगा, मुझे पता है मेरा ही अंग है, अब बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, है ना। ऐसा लगता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वो हमेशा प्रेम की लीला में मगन हुए, और जब भी हुए तो उसमें ब्रेक किया गया, लय तोड़ी गई, फिर वियोग हुए, फिर नई लीला का प्रारंभ किया गया, प्रारंभ। हाँ जी, तो ऐसा लगता है कि प्रेम की लीला में मगन होने की ये बात कही गई है, माया में मगनता की बात ब्रज और रास में स्पेशली नहीं कही गई। और तुंदरसाज जी, आपने देखा जागनी रास में एक भी चौपाई ऐसी नहीं आई कि दो मगन हुए ना, दो ही बार आई, ब्रज में आई और फिर आई और में आई। जागनी लीला में अक्षर ब्रह्म जी मगन नहीं होते, वो पूर्ण जागृत होकर बैठे हैं। अब उनकी आत्मा महामती जी के बिल्कुल साथ साथ, पांचों शक्तियां महामती जी के धाम हृदय में बैठी हैं, तत्पर हैं जागने के लिए, है ना। अब नहीं मगन हुए कहा उन्होंने नर नार, अब खाली नार है, माया में है, क्योंकि प्रेम में मगन नहीं है, है ना। बहुत सुंदर, बहुत गहरी वाणी है हमारी, बहुत मीठी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, एक लाइन और मेरे दिमाग में आ रही थी, जब फेर वर्ड आता है ना उस चौपाई में, तो फेर मगन हुए, तो फेर में तो वो विरह भी होता है ब्रिज में, अगर हम ब्रिज को इंक्लूड करें तो हम नहीं कर सकते ना। हाँ जी, जैसे फेर वर्ड आता है ना दोबारा से, फेर मगन हुए, तो फेर वर्ड अगर आप लेते हो तो पूरा ब्रिज अगर लेते हो तो उसमें तो विरह भी है, तो 52 दिन नहीं लेंगे ना। और वैसे भी ना इसमें बोलते फेर मगन का मतलब ये भी, फेर है ना, है शब्द बड़ा छोटा सा पर समाया इसमें बड़ा कुछ हुआ है, क्योंकि फेर का मतलब पहले माया में हुई थी, अब फिर रिपीट कर दिया। अगर 52 दिन लेते हैं तो माया में मगन हुई थी ना उस टाइम, तो फिर से माया में मगन हो गई, नहीं वहां तो माया है ही नहीं, और अक्षर ब्रह्म तो बेचारे ऐसे ही लपेट लिए हमने, वो तो माया में मगन हुए ही नहीं थे 52 दिन में, है ना। तो नर और नार दोनों लेने हैं, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सुंदर मगन वर्ड में, बड़ा सुंदर आपने बताया कि मगन वर्ड का मीनिंग ही है कि जब सखियां इतनी मगन हो जाएं, वो राजी की लीला इतनी सुंदर थी जो बाल रूप में थी, तो वो ऐसे मगन हो गई, वो तो होना ही था उनको, तो उसमें विरह में थोड़ी मगन हो पाएंगी वो वैसे। तो मतलब माया में मगनता कहा जाता है ना, विरह में मगन नहीं कहते, वो कहते हैं कि सखियां फिर माया में मगन हो गई, अब चलो अब कुछ करना पड़ेगा, ना ना ना, वो तो राजी बोलते मेरे हाथ में ही है। ये प्रेम में जब मगन हो जाते हैं ना, तब मुझे कुछ करना पड़ता है। माया में जब मगन होते, वो तो मैं जागनी में करूंगा इनको सीधे, सब करूंगा जागनी में जाके, अभी तो प्रेम की मगनता का उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की लीलाएं है ना ये, तो वहां प्रेम की मगनता है। आपने देखा अक्षर ब्रह्म की दोनों लीलाओं की ब्यूटी है ये, कि दोनों में प्रेम की मगनता है। अब इस जागनी लीला की ब्यूटी है ये, कि अब माया की मगनता है, इसीलिए मिलना भी इतना कुछ खजाना है ना, कि इसमें से निकल के दिखाओ, अब दूंगा मैं तुम्हें असली खजाने, अगर तुम्हारा जीव ये कर ले, वो भी मैं कराऊंगा, अब वो भी राजी। जबकि एक और बात है कि योग माया में तो अर्ध नींद अर्ध जागृति थी, तो एक बूंद ही वहां पे उनका अगर आता है आनंद का, मगन होना जो है, तो वो सागर बन जाता है। तो इसमें तो काल माया है, काल माया में तो बहुत ही मतलब हो गया ना, उसमें भी बूंदी एक अंश ही आया तो वो भी सागर बन गया, तो इतना मगन हो गई सखियां, मगन का अर्थ कितना सुंदर है। और अब हम माया में, अब उल्टा,
स्वामी जी टीका में लिखते हैं, हर टीका से पहले लिखा हुआ है, महामती जी के हृदय में एक बूंद आई और सागर का रूप ले लिया उसने। मतलब अभी इल्म के सागर की भी एक बूंद है ये, तो सोचो उसमें इतना सुख है तो जाकर परम धाम में इस सागर का भी कितना सुख होगा वहां जाके। अब मुझे पता होगा कि मेरे धनी के हृदय के उस कोने में क्या छुपा हुआ है, मैंने देखा है, कितना सुख होगा उसमें जाके। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी मधु दीदी, श्याम भैया भी बैठे हैं पास में। प्रणाम जी। स्पीचलेस। आप ही खोलोगे छिपाइयों के साथ, आप ही बताओगे। नहीं, ये प्रश्न इतना सुंदर था, और पता है रात को उसका उत्तर भी दे दिया, सुंदर साथ ने भी दिया। एक टू सेंट सपने होते हैं ना, जो दिल में आ रहा हो शॉर्ट में दे दिया, पर बाद में दिल में ये बात चलती रही। जैसे होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा मुख से राज जी ऐसा क्यों बोला गया, क्या रीजन है उसका। पूरी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि हर करवट के साथ धनी वो दे रहे हैं कि ऐसा हुआ इसलिए हुआ, पूरी रात वो गूंजती रही जैसे ना, तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया धनी जी, बहुत आनंद। जो आज का कंफ्यूजन निकलता है वो तो यही समझ आ रहा है कि 11 साल तक की और वहां पे भी ब्रह्मानंद जी की जो लीला जहां तक हुई वहां तक। बिल्कुल सही, आपने परफेक्ट समाप्त किया। प्रेम की लीला में मगन हुए 11 इयर्स, 11 साल, और उधर बिल्कुल ब्रह्मानंद जी का जहां पे वो होता है जैसे चित चौक भई, वहां उनके उसमें पहले आई और फिर उनका चित चौक आया, यानी ब्रह्मानंद की लीला के बाद। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, सोनिया दीदी, अब मीटिंग भी काफी लंबी हो गई है, एक जिज्ञासा छोड़ के अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि बाद में भी चिंतन मनन चलता रहे। जी। अभी हम जो ज्ञान का इलम का विलास चल रहा है, जो राजी लाड़ उड़ेल रहे हैं अलग अलग शरीर से, अलग अलग वजूद से, वाणी के द्वारा, ये अपने इश्क को, ये हम सब अंगनाओं का प्रयास चल रहा है राजी के इश्क जानने का, वाणी से राजी से संबंध निस्बत की पहचान, पहचान होने से उनके इश्क की हमें एक बूंद का भी अंशांश मिल जाए, हम उनके इश्क को पहचान सकें, ये प्रयास अभी तक सब कर रहे हैं। लेकिन राज्य की पातशाही जानने का प्रयास क्या अभी तक अंगनाओं ने शुरू किया है या नहीं किया है? क्योंकि ये जो खेल बनाया राज्य ने दो कारण से बनाया, महाकारण है ना जी, एक अपनी पातशाही दिखाने के लिए और वाहिदत्त का इश्क दिखाने के लिए। तो मेरी जिज्ञासा है कि जितना भी प्रयास हो रहा है अब सब जगह, वो राज्जी का इश्क जानने का तो हो रहा है, लेकिन उनकी पातशाही जानने की क्या शुरुआत अभी कहीं से हुई है? मुझे दिखाई नहीं दी उनकी बादशाहत। जी। जब तक पता ही ना लगे कि मेरा पति बादशाह है ना, सारे धर्म ग्रंथों से सबसे पहले तो जब पहचान होती है ना, तो आई थिंक पहले पातशाही की तरफ वो होता है कि वाई ही इज द बेस्ट, मुझे क्यों, मैं क्यों इसी की अंगना हूं, वो बेस्ट क्यों है। सबसे पहले जो ईमान आता है ना, वो पातशाही जानकर ही आता है कि ही इज सो स्ट्रॉन्ग। सारे धर्म ग्रंथों में कई सुंदर साथ ऐसे हैं कि धर्म ग्रंथों से पहचान कर उनको आए हैं, कई तो ऐसे हैं कि सीधा इस रास्ते पर, हमारे जैसे सुंदर साथ, मुझे कभी कभी लगता है कि हमने उनकी वैल्यू को नहीं पहचाना, क्योंकि बचपन से गुट्टी पिलाई गई ना कि हाँ जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, पर जो जानकर आए हैं ना उनको ज्यादा वैल्यू उनकी पता है। तो आज जब धीरे धीरे इस ग्रंथ में भी ऐसा लिखा, तो ये उनकी बादशाहियत ही तो है कि योग माया में उनका सिक्का चलता है, परम धाम में उनके हृदय के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो ये पहले पातशाही फिर इश्क की बात आती है ना, जब तक उनकी रुतबे का हमें पता ही नहीं होता है ना, तब तक तो हम इधर उधर ही घूमते रहते हैं कि कभी इसको पूजा कर लें, कभी उसको पूजा कर लें, कोई बात नहीं, साथ में इनको भी कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है, साथ में लक्ष्मी जी भी तो जरूरी है ना, अगर राज्जी की हो रही तो दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा भी तो जरूरी है ना, जब तक उनकी पातशाही ना पता हो।
तब तक हम ऐसा करते हैं, पर जब हमें पता लग जाए मैं ये तन नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और उसकी आत्मा हूं, तब ये तन के हमें कोई पूजा करने की, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है मेरी डोर अब उसके हाथ में। पर इसका और भी हो सकता है, जो आपने पूछा है ना, ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है कि पातशाहियत की तरफ भी क्या कुछ चल रहा है। मुझे लगता है वो हमारे जो परमहंस और सतगुरु जो रहे हैं ना, सारी बादशाही उन्होंने पहले ही खोज के, महाराज जी ने वो पहले ही हम में भरा है कि देखो कैसा है तुम्हारा वो पालनहार और कैसा तुमसे प्रेम करने वाला वो धनी है ना। तो इष्ट की तो बात ही उसके बाद आती है, जैसे होता है ना पहले जब संबंध किसी का तय होता है, सपोज वो माता पिता ने तय किया हो या जैसा भी हो, तो पहले यही बताया जाता है देखो कहाँ नौकरी करता है, कैसे उसके वो हैं, उसी से पहले वो होते, फिर बाद में जो प्रेम शुरू होता है वो उसके बाद होता है ना। तो इस दुनिया के लिए, इस दुनिया जैसे उनका इश्क अनंत है तो उनकी पातशाही भी तो अनंत ही है। तो 400 वर्ष से अंगनाएं इश्क जानने का प्रयास निरंतर अब तक कर रही हैं और आज ही पातशाही की भी आपके मुख से। मुझे लगता है दुष्यंत भैया, सही बताऊं आपकी अभी बात सुन के ना मुझे ऐसा लगा, हमने योग माया जो एक्सप्लोर धनी जी की मेहर से उन्होंने करवानी शुरू की ना, ये भी उनकी पातशाही का एक अंग है, क्योंकि हमें पता लगा ये मास्टर प्लानिंग ऐसे योग माया उनके अंडर में है, एक एक उनके सत्तंग के अंडर में इतना कुछ है कि वहां जीव जाके सुरता रूप ले लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग वहां हो जाता है, हमारा बल क्या होगा, तो धनी का बल क्या होगा। तो ये भी उनकी पातशाहियत का एक हिस्सा भी है, ये साथ साथ है ना, केवल काल माया पर योग माया पर परम धाम। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हाँ जी आशिमा जी। मेरे मन में भी एक बात आ रही थी इस बात पे कि जो सरकार श्री की सीरीज देखी ना अभी तक की मैंने सबसे पहले, तो उसके बाद सबसे पहले मुझे यही तो पता चला कि वो ही सबसे ऊपर हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है। तो साहिब ही जो बोलते हैं श्री जी, साहिब जी मेहरबान, तो वाकई में वो साहिब हैं इस पूरे ब्रह्मांडों के भी, ब्रह्मांडों के और योग माया से भी ऊपर। तो ये जब पता चला तो सबसे पहले तो उनकी साहिब भी पता चली। आज तक हम अभी कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं है, हम जीव हैं कि नहीं है, तो उनकी पातशाही तो सबसे पहले देखी है और सब कुछ छोड़ दिया, सब तरह की जो देवी देवता है उनकी पूजा छोड़ के, और हमें ये महसूस हुआ कि यही तो है सब करने वाली। बिल्कुल सही आशिमा जी। और पता है दुष्यंत भैया, अब ना चौपाइयों में मुझे ऐसा कभी कभी ना पढ़ के ऐसा लगने लगा है कि उसको पारायण की तरह टीका को नहीं पढ़ना, और उन्होंने जो पहले लिखा है ना, ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पातशाही अर्श की, दूजा वायदत का है ना, तो पहले पातशाही अर्श की लिखा है, फिर लिखा है इश्क। जब तक पातशाही का पता ना लगे इश्क होगा ही नहीं आपको, जब तक पता ही नहीं मेरा साहेब इतना बेमिसाल, इतना कमाल, तब कैसे उनसे इश्क भी, इश्क भी उस लेवल पे होता है ना, फिर पहचान पूरी हो तो, कि इतना वो है बादशाह है वो। तो ऐसा लगता है कि चौपाइयों में ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये, इश्क और इश्क और पातशाही नहीं, पातशाही और इश्क, पहले वो फिर वो। तो धनी बड़े बड़े वो है मेहरबान, और राजी ये देखिए जरा जो सुंदर साथ बैठे हैं ना अभी तक, हैट्स ऑफ सुंदर साथ जी आपके चरणों में, जिसको कहते हैं ना रहा ही ना जाए, इस इन बातों के बिना, धनी की बातों के बिना रहा ही ना जाए, ऐसे सुंदर साथ यहाँ पे बैठे हैं। कोटि कोटि प्रणाम सुंदर साथ जी, अनु दीदी, और फिर मिलकर जयकारा लगाएंगे सुंदर साथ जी, धन्य है आप सुंदर साथ। हाँ जी अनु दीदी, पहले तो हम बैठे काल माया में थे, इसीलिए उस लीला में काल माया ही ढूंढ, अपनी माया ही ढूंढ रहे थे। आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि प्रेम की लीलाएं थी दोनों, तो प्रेम प्रेम में ही मगन होना था वहां पे। तो और इसमें अक्षर ब्रह्म भी मगन हो गए, वो तो पहले भी उसके बाद भी मगन हो गए थे, जब मोहम्मद साहब के अंदर आए, मोहम्मद साहब की लीला हुई तब।
क्यों मगन हो गए, क्योंकि उन्होंने जो 30 छोड़े थे ना, भी नहीं आपने वर्णन करने, वो परमधाम के थे, प्रेम के। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसमें ना बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि उसमें ना वो जोश जो होता है ना, कल हमने जो पढ़ा था ना, जोश नहीं मगन होता, जोश आवेश होता है अक्षर ब्रह्म का, वो ना मगन होता उसमें, आत्म सुरता मगन हो जाती है, आवेश मगन नहीं होता। उसको धनी का हुक्म है, 30 बोलने ही नहीं ना, ब्रह्म सृष्टियां आएंगी तब खुलेंगे वो, मेरे खासे बंदे आएंगे खासल खास तब वो खुलेंगे, 30 और बाकी 30 भी कोई पात्र मिले, और वो पात्र भी वहां पे ऐसा है कि वो 30 भी उन्होंने शायद किसी को बताए नहीं है, वो लिखने में आए हैं, क्योंकि तब तो बसर बनाने थे अभी। तो जोश मगन नहीं होता सुंदर साहब जी, सुरता मगन हो जाती है आकर, क्योंकि वो भी आवेश शक्ति है, तो शक्ति मगन नहीं होती इधर आकर, सुरताएं मगन होती। ये बड़े दिल के गहरे गहरे भेद है धनी के सुंदर साहब जी, जो पता नहीं, पता नहीं धनी के दिल में इतना लाड, इतनी मेहर, इतना प्रेम हमारे लिए आया है, जो ये धीरे धीरे वो खोलते जा रहे हैं। सुंदर साहब जी, उनके धनी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और ये जो टीका, ये चर्चाएं हमें मिली है ना, वो खजाना है हम सुंदर साहब के लिए, जो इतना कुछ दे रहे हैं। ये प्रश्न सोचा नहीं था कहाँ तक जाएगा, पर ये बहुत अंदर लेकर जा रहा है। और सुंदर साहब जी, एक बात बस लास्ट ये बताना चाहूंगी, नर पे, नर नार में उन्होंने अक्षर ब्रह्म पे फोकस, ये जो लीलाएं दो की है ना, तो ये मगनता भी अक्षर ब्रह्म पे फोकस ही की है उन्होंने, क्योंकि प्रेम लीला में वो मगन होते हैं, तो उसके बाद फिर विरह किसको सहना पड़ता है, वो अक्षर ब्रह्म फ्री हो जाते हैं तब, तब विरह या वियोग की जो लीला आती है ना, वो सखियों पे आती है, क्योंकि धनी को पता है कि मैंने इनको कितने सुख और देने हैं। तो बड़े मेहरबान हमारे प्यारे प्राण पिया प्राणपति, आपके चरणों में प्रणाम, सुंदर साहब जी मिलके जयकारा लगाएंगे, धन्य है आप सुंदर साहब, बोलो प्राण की सुंदर साथ।